बहुत दिन से प्लान कर रहा था लेकिन प्लान बन नहीं पा रहा था। कहते हैं कि जब बुलावा आता है तभी आप जा सकते हैं, तो बुलावा आ गया, माता ने हमें बुला लिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमएल लाइफ। मैं अभी जम्मू तभी आया हुआ हूँ, जम्मू राजधानी से। तो करते हैं राजधानी की पूरी जर्नी को इंजॉय। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। Bye. मंदी हमारे साथ वैष्णो देवी जा रहे हैं और हम लोग दोनों आदमी इस जर्नी को एंजॉय करेंगे। तो हमारा दो बर्थ है, लोअर बर्थ और ये मिडिल बर्थ। जम्मू राजधानी में दिल्ली से शाम को 8:40 में खुलती है और जम्मू पहुंचेगी कल सुबह 5:45। और जो इसका किराया है वो है 1605 रुपये का, थर्ड एसी का, जिसमें हम लोग जर्नी कर रहे हैं। और ट्रेन खुलते हैं, हमें पानी की बोतल मिल चुकी है और साथ में मिल गया है जूस, तो हम लोग इसको पीते हैं और इन्जॉय करते हैं और देखते हैं अभी आगे क्या क्या होता है। बहुत ही कम से हम क्या क्या इस जर्नी में इन्जॉय करते हैं। जम्मू राजधानी में हमें 25 साल से सर्विस दे रही है और जुलाई 1994 से ये हमें सर्विस दे रही है। और पहले ये वीकली चलती थी, अब ये डेली चलती है और हम लोग इसमें डेली दिल्ली से जम्मू तक और जम्मू से दिल्ली तक जर्नी कर सकते हैं। और अमन जी क्या चल रहा है? सर अभी सूप आए हैं और हम इसको इन्जॉय कर रहे हैं और धीरे धीरे आज चीज़ें आ रही हैं और मज़ा आ रहा है। राजधानी का मज़ा आ रहा है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आप जैसे लोग हमारे साथ ट्रैवल करें, बहुत अच्छा लग रहा है। गॉड ब्लेस यू। राजधानी नई दिल्ली से शाम को 8:40 में खुलती है और मैक्सिमम स्पीड 140 किलोमीटर/आवर से, एवरेज स्पीड 65 किलोमीटर/आवर से चलती है और हमें 9:15 में दिल्ली से जम्मू तक पहुंचाती है सुबह 5:40। इसके बीच में 3 हॉल्ट आते हैं, लुधियाना, पठानकोट और कठुआ, और तीनों में बिल्कुल रात में आएगा। जब मैं जम्मू राजधानी की टिकट ले रहा था तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस बने हुए थे तो मैंने देखा नहीं था। तो मुझे लग रहा था 9 बजे रात में ये खुलेगी तो डिनर मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं इस सब में फिर भी लग रहा था डिनर तो राजधानी है तो मिलेगा ही मिलेगा। तो और अमन जी को तो पूरा विश्वास था कि नहीं मिलेगा, तो ये घर से भी खाना लेके आ गए, लेकिन डिनर साथ लेके आए, बट यहाँ तो मिला हमें। तो अभी रात के 10 बज रहे हैं और डिनर आ चुका है हमारा, 1 घंटे में डिनर हमारे पास है। मतलब आप लोग निश्चिंत रहे, अगर इस राजधानी में जर्नी कर रहे हैं तो आपको 10 बजे तक डिनर मिल जाएगा। तो डिनर आ गया, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को डिनर में क्या क्या। अमन जी आप दिखाएंगे। सर ये चपाती है, चपाती है, ये स्पून है, और ये मिक्स पिकल, और इसमें हम देखते हैं धीरे धीरे क्या क्या है। ओ इसमें राइस, राइस है, और में भी इसमें सब्जी है। हम सब्जी देखते हैं क्या आया है हमारे लिए। सब्जी वो पनीर है, पनीर अच्छा लग रहा है, बाकी टेस्ट पता चलेगा। अब मेरे लिए खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी तो नहीं हो सकता है, लेकिन ठीक ठाक खाना ना चाहिए। घर में अच्छा अच्छा दाल सर कैसा है खाना? बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये सर हमारे साथ जर्नी कर रहे हैं और सर आप बताएंगे अपने बारे में। जालपुरी है मैं, आजकल मैं पहले NTPC में था HOD, अब आजकल लेक्चर वगैरह देता हूँ डिफरेंट कंपनीज में। अच्छा, ये ऑन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, पावर प्लांट, थर्मल, हाइड्रो, गैस बेस्ड कंबाइंड तीनों। अभी अभी जम्मू किस लिए जा रहे हैं? जम्मू मदर को मिलने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा,
तो ऐसे ही जब जर्नी करेंगे तो बहुत सारे लोगों से आपकी जान पहचान होती है और दोस्ती बनती है। और सर यहाँ राजधानी को एंजॉय कर रहे हैं और डिनर ले रहे हैं, हम लोग भी अब डिनर करते हैं। थैंक यू सो मच, सो नाइस। आपको मिलके आप बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, रियली वन ऑफ द वेरी एडमिनिस्ट्रेटेड पर्सन। थैंक यू सर, थैंक यू। खाना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, टेस्ट देख रहा हूँ कैसा है। और अब तो हमारे पास दही भी आ गए, मदर डेयरी का आए हैं और ब्रांड है, ऐसा नहीं कि लोकल कोई, मदर डेयरी का दही दिया है बाकायदा। रेलवे ने बहुत अच्छा किया हुआ है। अच्छा, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। ठीक है, घर में घर जैसा लग रहा है, घर जैसा खाना लग रहा है। दही भी बहुत अच्छा है, खट्टा भी नहीं है। खाना रियली अच्छा है, गर्म है और तो रोटी भी बहुत बढ़िया है और दाल वाल सब कुछ ठीक है, खाना अच्छा है। और नॉन वेज का भी ऑप्शन है और हम लोग तो कि दर्शन के लिए जा रहे हैं दोनों आदमी, तो हम लोगों ने वेज लिया है और खाने को एंजॉय कर रहे हैं। खाना रियली बहुत टेस्ट है कि आप घर से बेफिक्र होकर आ सकते हैं कि हमें खाना ट्रेन में मिलेगा और बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट है। तो खाना हम लोगों ने खा लिया और पेट फुल हो चुका है बिल्कुल। क्यों मंदिर फुल हो गया फिर? पेट भर गया। तो अब फैमिली के साथ मैं जाना चाहता था वैष्णो देवी, लेकिन अब कहते हैं माता जब बुलाती है तभी आप जा सकते हो। तो अमन जी के साथ हमारा प्लान बन गया और चल दिया हम लोग दर्शन के लिए। बच्चों की स्कूल है तो वो लोग ज़्यादा अभी मूवमेंट नहीं कर सकते, छुट्टियाँ होंगी तो फिर बच्चों के साथ ही फिर जर्नी करेंगे। तो इंडिया की शायद सबसे शॉर्टेस्ट रूट की राजधानी है ये, अगर कोई दूसरा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है सबसे शॉर्टेस्ट रूट और सबसे कम समय का जर्नी इसी राजधानी का। रात में कुछ भी और सुबह होने से पहले पहुंचा देती है, तो ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए तो है नहीं, लेकिन जो भी इस जर्नी में हो रहा है मैं आपको दिखाऊँगा। खाना खाने के बाद सब लोग अब सोने की तैयारी कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना बिस्तर लगा रहे हैं, तो हम लोग भी अब बिस्तर लगाते हैं और सोते हैं। हम तो अभी सोने की तैयारी कर रहे थे लेकिन तब तक आइसक्रीम आ गया। और आइसक्रीम भी अमूल का है तो अमूल का आइसक्रीम। रेलवे ने पूरा अच्छा कर रखा है, दही आ रहा है वो मदर डेयरी का आ रहा है, आइसक्रीम आ रहा है अमूल का आ रहा है, वो खाना अब नींद आएगी बढ़िया। ठंडा ठंडा कुछ कुछ है ये तो सर, अपने बिस्तर पर जा रहे हैं। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। अम्बाला कैंट से गुजर रही है, यहाँ पे स्टॉपेज नहीं है। इसके बाद लुधियाना में सीधा रुकेगी ट्रेन, दिल्ली से बोलते सीधा लुधियाना, फिर पठानकोट और फिर कठुआ, उसके बाद फिर जम्मू। तो अभी ट्रेन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, शायद बिजली बिजली के तार की कुछ प्रॉब्लम है तो रिपेयर चल रहा है। और पिछले 4 घंटे से जलंधर के आगे एक सूचीपिंड स्टेशन है यहाँ पे रुकी हुई है और हम लोग इंतजार कर रहे हैं ठीक होने का। अभी 4 घंटे तो हो चुके हैं तो देखते हैं और कितना टाइम लगता है। पाँच घंटे के इंतजार के बाद हमें तो पता भी नहीं था एक्चुअली 5 घंटा, क्योंकि हम लोग सोए हुए थे और सुबह जब उठे तो तब तक 4 घंटे लेट हो चुकी थी। तो सुबह के 1 घंटे हम लोग देख रहे हैं, अब ट्रेन खुल चुकी है, 5 घंटे ट्रेन लेट हो चुकी है, तो हम लोग 5 घंटे आगे पहुंचेंगे, 5 घंटे लेट से पहुंचेंगे। तो अमन जी मज़ा आ रहा है? पूरा मज़ा आ रहा है, मज़ा आ गया, पता ही नहीं चला कि रात कैसे 5 घंटे बाद निकल के जा रहे हैं। अभी आगे 3 घंटा और लगेगा हमें और हम पहुँचेंगे वहाँ पे 10 बजे जम्मू हमें उतारेगी ट्रेन और उसके बाद आगे का सफ़र हम जारी रखेंगे, आपको अपडेट देते रहेंगे।
लेट होने के कारण अभी हमें पता चला और शायद बहुत तेज तूफान आया, बहुत तेज तूफान, बहुत तेज पेड़ वगैरह टेढ़े हो गए भी गिरे थे और इसी में हमारा जो रेल का जो लाइन इलेक्ट्रिक वायर होता है वो गिर गया था, उसी का रिपेयर चल रहा था, इसलिए 5 घंटे हम लोग लेट हो गए। पठानकोट में रुके हुए हैं, 5 मिनट का स्टॉप है यहाँ पे और हमें उम्मीद तो नहीं थी कि हम लोग इसे देख पाएंगे क्योंकि जनरली ये 3:30 बजे आती है लेकिन ट्रेन आज लेट हो गई और ये 8:30 बजे पहुँची है। हम लोग यहाँ पे 8:30 बजे पहुँचे हैं, 5 घंटे लेट हैं हम लोग, 5 मिनट में यहाँ से खुलने वाली है। बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, साफ है, जो स्टॉर्म आया था वो थम गए हैं और अब हम लोग सुरक्षित हैं। अच्छा, यात्रा पर जा रहे हैं। तो जी हम लोग अब JNK में प्रवेश कर चुके हैं, कठुआ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुक चुकी है और यहाँ पे जनरली 4:10 सुबह में आती है। फ़ोन के नेटवर्क ख़त्म, नेटवर्क ख़त्म, तो अगर आपका पोस्टपेड कनेक्शन है तो यहाँ चलेगा, नहीं तो नेटवर्क आपका चला जाएगा, नहीं तो लोकल नंबर लीजिए। तो कठुआ में यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉप है, फिर ट्रेन यहाँ से सीधा जम्मू तवी। वैसे तो ट्रेन सुबह पहुंच जाती है तो सुबह चाय की सर्विस नहीं है लेकिन लेट होने के वजह से चाय हमें दिया गया है। वैसे देना तो ब्रेकफास्ट चाहिए था, चाय अरेंज किया है ट्रेन वालों ने, वैसे देना ब्रेकफास्ट चाहिए था। हाँ, 10 बजे कोई भी दे दो, चाय के साथ बिस्किट ही मिला है, बिस्किट का पैकेट। वहाँ पर कोई स्टेशन नहीं था, ऐसी जगह गाड़ी रोकी। अच्छा, गए थे दो तीन साल पहले गए थे, मगर ऐसे है खतरनाक है, बताते नहीं होंगे खतरनाक, बताया ना मैंने, वो गया वो उसके लिए एडवांस सुनो कह रहे। तो हम लोग पहुंच गए जम्मू और अब चलते हैं यहां से कटरा की तरफ। और आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय।